हेलो बच्चों, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, इट विल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट लाई ऑन द कर्व साइड। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक बेसिक चीजें कर लेते हैं हम। सबसे पहले बोला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स वाली सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर और इसका है इन्फिनिटी। क्वेश्चन में आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज ऑल्सो गिवन एज 1.5। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी फोकल लेंथ 1/f होगी 1.5 माइनस ऑफ 1। अच्छा, ये कहाँ से आया, एक बार पहले लेंस में का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। सो ये हो जाएगा म्यू माइनस ऑफ 1 1 बाय आर1 माइनस 1 बाय आर2, यानी 1.5 माइनस ऑफ 1 1 बाय आर1 जो कि है इन्फिनिटी माइनस ऑफ 20। सो दिस कम्स आउट टू बी कि फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाती है मेरे पास कितनी आ गई भाई, यहाँ लिख लेते हैं। सो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 इंटू 1/20 इम्प्लाइज, अच्छा ये तो 1/f है। सो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई मेरे पास 40 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव के अंदर आई है, पॉजिटिव में आई है मतलब ये कैसी है, कॉन्वेक्स नेचर या फिर कन्वर्जिंग नेचर की है। ठीक है, अच्छा रेज अगर यहां से आए, मैंने फोकल लेंथ इस रेज के हिसाब से निकाला है, तुम लोग कहो कि चलो उल्टी तरफ से डालूंगा तब भी फोकल लेंथ सेम रहेगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, रेज कहीं से भी आए। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट लाई ऑन द कर्व साइड, नहीं, दोनों तरफ के लिए होता है। एक्ट एज अ कॉनकेव लेंस, यहीं पर गलत हो गया। एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, करेक्ट। एक्ट एज अ कॉनकेव लेंस, यहीं पर गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू।